Hello students, we are doing inverse of trigonometric functions. We had done many about inverse of trigonometric functions in previous lectures. Today in this lecture we will learn how to add inverse of trigonometric ratios. तो इसके लिए आई स्टार्ट विद टेंजेंट फंक्शंस, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शंस. ओके, तो मैं सिंपली यहां लिख सकता हूं कि दो टेन इनवर्स फंक्शंस को कैसे ऐड करते हैं. तो ये सिंपली मैं लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होता है किसके, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई. ओके ओके. लेकिन वेन वी टॉक अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्स्टेंट इज नेसेसरी. कॉन्स्टेंट बहुत जरूरी है. विदाउट कॉन्स्टेंट वी कैन नॉट डू इनवर्स ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो यहां भी कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होगी. तो लेट अस ट्राई हाउ टू गेट, हाउ टू ऑब्टेन दिस रिजल्ट. This result is obtained with the help of tan alpha plus beta. तो tan alpha plus beta क्या था, tan alpha plus beta था tan alpha plus tan beta divided by 1 minus tan alpha and tan beta. ठीक है, अगर मैं इसको मान लूं क्या अल्फा, इसको मान लूं क्या बीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन अल्फा, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन बीटा. तो आई पुट द वैल्यूज ऑफ टेन अल्फा एंड टेन बीटा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इट बिकम्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई. ओके, ये एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई हो जाता है. नाउ आई ट्राई टू टेक इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स. Then tan inverse tan alpha plus beta equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. ठीक है, अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. ठीक, क्यों, क्या tan inverse tan alpha plus beta को मैं alpha plus beta लिख सकता हूं, मैं किस कंडीशन में इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा के इक्वल लिख सकता हूं, जब मेरा ये एंगल किसकी रेंज में होगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. लेकिन यहां क्या है, ये दो एंगल का सम है, इसकी रेंज क्या है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और इसकी रेंज क्या है, सेम रेंज इसकी है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐड करता हूं दोनों को, तो ऐड करने के बाद अल्फा प्लस बीटा की मुझे रेंज क्या मिलती है, ऐड करने के बाद अल्फा प्लस बीटा मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू माइनस पाई टू पाई. अल्फा प्लस बीटा कहां लाई करता है, माइनस पाई टू पाई. ठीक है, अब माइनस पाई टू पाई. ओके, तो मैं इसको अल्फा प्लस बीटा नहीं लिख सकता, बिकॉज अल्फा प्लस बीटा कहां लाई करना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच. तो अब मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको लाना पड़ेगा किसमें, पर्टिकुलर इस रेंज में कि अल्फा प्लस बीटा मेरा लाई करे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच. ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ केस स्टडी करेंगे. पहला केस लेंगे हम कि अल्फा क्या है टेन है, वो अल्फा क्या है आपका टेन इनवर्स एक्स, और बीटा क्या है टेन इनवर्स वाई. तो मैं कहता हूं कि एक्स, एक्स क्या हो गया आपका टेन अल्फा और टेन बीटा, एक्स वाई की वैल्यू स्मॉलर देन वन होनी चाहिए, स्मॉलर देन वन है. ठीक है, एक केस लिया हमने कि एक्स वाई की वैल्यू स्मॉलर देन वन है. तो इस केस में अल्फा और बीटा कहां लाई करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों लाई करेंगे किसके बीच, जीरो से पाई बाई टू के बीच. ठीक है, यही हमारी प्रिंसिपल रेंज है. इस केस में अल्फा बीटा कहां लाई करेंगे, जीरो से पाई बाई टू के बीच. लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि एक्स वाई लेसर देन वन एंड एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो अल्फा और बीटा लाई करेंगे जीरो से पाई बाई टू के बीच. इस केस में अल्फा प्लस बीटा लाई करेगा जीरो से पाई के बीच. ठीक है, जीरो से पाई के बीच, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा की. टेन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के. ठीक है,
यहां x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। x y की वैल्यू लेस देन वन है, इट मींस डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो गया। तो टेन अल्फा प्लस बीटा हमें क्या वैल्यू देगा? हमें ये वैल्यू देगा पॉजिटिव। क्या वैल्यू देगा? पॉजिटिव। अल्फा प्लस बीटा किसके बीच में लाई करता है? जीरो और पाई के बीच में, ठीक है। तो और वैल्यू क्या मिल रही है हमें? पॉजिटिव। टेन थीटा, टेन एक्स किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देता है? टेन एक्स पॉजिटिव वैल्यू देता है थर्ड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन अल्फा प्लस बीटा कहां जा रहा है? जीरो से पाई के बीच, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो गया। इट मींस इस केस में जब एक्स वाई इज स्मॉलर देन वन एंड एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, तो हमारा टेन अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अब मेरी रेंज क्या हो गई अल्फा प्लस बीटा की? इस केस में अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या हो गई? अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट में लाई कर रहा है, तो रेंज हो गई मेरी जीरो से पाई बाई टू। ये हमारी प्रिंसिपल रेंज के अंडर आ रही है। तो अब मैं इस केस में यह लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई के। किस केस में? जब एक्स वाई इज स्मॉलर देन वन एंड एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। ओके, सेकेंड केस की बात करते हैं। तो ये केस क्लियर हुआ फर्स्ट केस। पहले केस में अब हम सेकेंड टाइप लेते हैं कि मैं इसको रेज कर देता हूं कि एक्स वाई इज लेस देन वन। एक्स वाई की वैल्यू लेस देन वन है बट एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव हैं। एक्स एंड वाई अगर दोनों नेगेटिव हैं तो अल्फा और बीटा किस रेंज में पड़ेगा? अल्फा बीटा पड़ेगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब माइनस पाई बाई टू से जीरो के बीच में अल्फा एंड बीटा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो भाई अल्फा और अल्फा प्लस बीटा किस में पड़ेगा? माइनस पाई से जीरो के बीच। अल्फा प्लस बीटा किस में पड़ा? माइनस पाई से जीरो के बीच। ओके, माइनस पाई टू जीरो। अब मैं इस केस में देखता हूं कि अगर एक्स वाई दोनों नेगेटिव हैं तो टेन अल्फा प्लस बीटा मुझे कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो टेन अल्फा प्लस बीटा ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये लेस देन वन मतलब ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये वैल्यू देगा मुझे नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में होती है? नेगेटिव वैल्यू टेन थीटा की या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होती है या फोर्थ में होती है, ठीक है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा किस में पड़ रहा है? माइनस पाई टू जीरो के बीच, माइनस पाई टू जीरो के बीच। अल्फा प्लस बीटा पड़ रहा है आपका माइनस पाई टू जीरो के बीच। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा क्लियरली किस क्वाड्रेंट में जाने वाला है? फोर्थ में, फोर्थ में। तो यहां जब ये फोर्थ में गया तो अल्फा प्लस बीटा की जो रेंज है वो क्या हो जाती है? माइनस पाई बाई टू टू जीरो, जो हमारी प्रिंसिपल रेंज के अंडर है। तो इस केस में भी मैं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा किसके? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। ओके, इस कंडीशन में भी हमारा एडिशन का जो रिजल्ट है वो अप्लाई करता है। तो दो कंडीशन हमने यहाँ डिस्कस की। पहली कंडीशन एक्स वाई इज स्मॉलर देन वन, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है हमारा एक्स वाई इज स्मॉलर देन वन बट एक्स वाई बोथ आर नेगेटिव। थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है कि एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, या वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई अपोजिट साइन के हैं, एक्स एंड वाई आर अपोजिट साइन। तो थर्ड केस में अपोजिट साइन, थर्ड केस में क्या होगा? एक्स एंड वाई आर अपोजिट साइन। तो थर्ड केस में क्या होगा कि थर्ड केस में होगा कि अगर एक्स पॉजिटिव है तो इसकी रेंज क्या होगी अल्फा की? जीरो टू पाई बाई टू। वाई नेगेटिव है तो रेंज क्या होगी? माइनस पाई बाई टू टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। ओके,
ये रेंज फिर वहीं आ गई माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और आई कैन राइट इट एज टेन इनवर्स एक्स अल्फा प्लस बीटा को मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ अल्फा की जगह क्या लिख लेंगे आप, टेन इनवर्स x, बीटा की जगह क्या लिख लेंगे, टेन इनवर्स y। ठीक है, तो ये आपका इसके इक्वल हो गया, क्लियर है। अब सेकेंड केस क्या बनता है, ये तो फर्स्ट केस के तीन पार्ट हुए। सेकेंड केस है कि अगर x एंड y का प्रोडक्ट ग्रेटर देन, x एंड y का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन सेकेंड केस, x एंड y ग्रेटर देन वन। अब ये किस कंडीशन में ग्रेटर देन वन हो सकता है, व्हेन x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो अल्फा एंड बीटा की रेंज क्या होगी, अल्फा एंड बीटा की रेंज क्या होगी, जीरो टू पाई बाई टू। अल्फा प्लस बीटा की रेंज हो गई जीरो टू पाई, इस केस में अल्फा प्लस बीटा की रेंज हो गई जीरो टू पाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू वन से ज्यादा है, एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो देखते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या देती है। इस केस में टेन अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इट मीन्स डिनोमिनेटर नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, न्यूमरेटर पॉजिटिव, तो टेन अल्फा प्लस बीटा मुझे क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू टेन की किस क्वाड्रेंट में आती है, सेकेंड में आती है या फोर्थ में आती है, हाँ नेगेटिव वैल्यू देगा। अब नेगेटिव वैल्यू किस में आती है, सेकंड में आती है या फोर्थ में आती है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जो रेंज है वो क्या आ रही है, यहाँ जीरो टू पाई, इट मींस अल्फा प्लस बीटा किस में पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से ये पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया। ठीक है, वैल्यू क्या है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या बैठती है, पाई बाई टू से पाई, तो अल्फा प्लस बीटा अगर पाई बाई टू से पाई के बीच में मेरा पड़ रहा है, पाई बाई टू टू पाई, तो आई कैन नॉट राइट इट एज अल्फा प्लस बीटा, मैं इसको नहीं लिख सकता क्योंकि ये मेरी पर्टिकुलर रेंज नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊँगा, पर्टिकुलर रेंज में कहाँ पहुँच रहा है ये, या तो यहाँ नेगेटिव है या यहाँ नेगेटिव है, तो मैं इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब मैं ले गया अल्फा प्लस बीटा को, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें डिफरेंस कितना है पाई का, तो मैं यहाँ पाई माइनस कर दूंगा और ये एंगल हमारा ये हो जाएगा, पाई माइनस कर देते हैं तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई टू अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई टू पाई बाई टू, पाई टू जीरो, माइनस पाई किया तो जीरो, माइनस पाई बाई टू टू जीरो। अब हमारा जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई कर रहा है, पर्टिकुलर रेंज में, ओके, जो इसकी रेंज है कौन सी, माइनस पाई बाई टू टू जीरो। तो इस केस में मैं टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस पाई कैन बी रिटन एज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस बीटा कैन बी पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। यह हमारी कॉन्स्टेंट्स क्या है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन वन एंड एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसी में एक सेकंड केस बनता है कि एक्स वाई तो ग्रेटर देन वन है बट एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, उस केस में हम क्या वैल्यू लेंगे, एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव, तो अल्फा और बीटा किस की रेंज क्या होगी, माइनस पाई बाई टू टू जीरो, माइनस पाई बाई टू टू जीरो, ओके। अल्फा प्लस बीटा की रेंज क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा पड़ेगा आपका
माइनस पाई टू जीरो, माइनस पाई टू जीरो। इस केस में जब x एंड y बोथ आर नेगेटिव है तो टेन अल्फा प्लस बीटा हमें क्या वैल्यू देने वाला है, मतलब x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई, x नेगेटिव y नेगेटिव, और एक्स वाई डिनोमिनेटर नेगेटिव है ही, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ टेन अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में देता है, माइनस पाई टू जीरो के बीच, थर्ड में या फर्स्ट में, थर्ड में या फर्स्ट में। लेकिन अल्फा प्लस बीटा, सॉरी क्या वैल्यू हुई हमारी, पॉजिटिव, हाँ थर्ड में या फर्स्ट में। लेकिन अल्फा प्लस बीटा कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई से जीरो के बीच, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा कहाँ पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में पड़ा। इस केस में अल्फा प्लस बीटा ये पड़ेगा आपका अल्फा प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब मुझे इसको लेके कहाँ जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी मेरा ये पर्टिकुलर रेंज में आएगा। मैं इसको यहाँ ले गया, ठीक है, यहाँ इसमें क्या करूँगा, मैं पाई ऐड कर देता हूँ दोनों तरफ से, हाँ। तो ये मेरी रेंज क्या हुई, ये रेंज हुई थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब माइनस पाई टू, माइनस पाई टू, माइनस पाई बाई टू, और यहाँ मैंने पाई ऐड कर दिया तो जीरो टू पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, पाई ऐड किया, पाई बाई टू, कहाँ पहुँच गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जीरो टू पाई बाई टू में, ठीक है। तो आई कैन राइट टेन इनवर्स टेन अल्फा प्लस बीटा एज पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई, और अल्फा प्लस बीटा बिकम्स माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। इन दिस मैनर वी गेट द एडिशन ऑफ टेंजेंट, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शंस। कितनी कंडीशंस बनी, फाइव कंडीशंस बनी, फाइव कंडीशंस में इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, ओके। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, बाय बाय।